हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में बात करते हैं कि ग्रो के मॉडिफिकेशन फॉर्म को इजीली फिल कैसे करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि हम ग्रो मॉडिफिकेशन फॉर्म को फिल क्यों करते हैं। अगर हमारा कोई भी फोन नंबर, मोबाइल नंबर चेंज करवाना हो, जीमेल चेंज करवाना हो, एड्रेस और बैंक, इन चारों में से कोई भी चीज अगर हमें चेंज करवाना होता है ग्रो ऐप में, तो हम ग्रो मॉडिफिकेशन फॉर्म को फिल करते हैं। गाइस, आपका क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि हम मोबाइल नंबर तो ऑनलाइन भी ग्रो ऑप्शन में जाके एडिट करके हम चेंज कर सकते हैं, 2 मिनट का काम होता है। बट अगर आप मोबाइल नंबर तो वहां से इजीली चेंज कर सकते हो, बट अगर आपका मोबाइल नंबर अगर कहीं खो गया हो, आप उसे गुम हो गया होगा, या आपका कोई जीमेल आप एक्सेस आपके पास कोई एक्सेस उसका नहीं हो, फिर आप कैसे चेंज कर सकते हो? या आपका कोई भी एड्रेस है, आप अभी कहीं और रह रहे हो, आपका इन फ्यूचर कहीं और रहने वाले हो, तो आप एड्रेस चेंज करवाना चाहते हो, या आपका बैंक अकाउंट जो होता है हमारा, जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट में तो हम बैंक अकाउंट को चेंज करते रहते हैं, बट जब डीमेट अकाउंट जो आता है ना, जो सीडीएसएल के पास हमारा होता है ना, वहां पे सिर्फ एक ही बैंक अकाउंट रजिस्टर्ड होता है, जो कि हम अकाउंट ओपनिंग के टाइम में जो बैंक अकाउंट रजिस्टर्ड करते हैं। सपोर्टेड अगर आपका डिविडेंड आता है किसी भी स्टॉक से, तो आपका ये जो प्राइमरी जो ग्रो ऐप में जो प्राइमरी बैंक अकाउंट है, उस पर डिविडेंड नहीं आएगा। आपका जो डीमेट अकाउंट में जो बैंक अकाउंट लिंक है ना, उसमें आपका डिविडेंड आएगा। अगर आप उसे भी चेंज करवाना चाहते हो, तब ये आप मॉडिफिकेशन फॉर्म को फिल करके चेंज करवा सकते हो। गाइस, अब समझते हैं कि ग्रो मॉडिफिकेशन फॉर्म को फिल कैसे करते हैं। तो मैं स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज बताने वाला हूँ यहाँ पे कैसे करते हैं। नॉर्मली सबसे पहले आपको ये समझना है कि देख सकते हो यहाँ पे इंडिविजुअल आ रहा है, एप्लीकेंट नेम में आ रहा है, देख सकते हो यहाँ पे एप्लीकेट फॉर्म फॉर इंडिविजुअल। यहाँ पे आपको न्यू नहीं करना, आपको मॉडिफिकेशन करना है, क्योंकि आप मॉडिफाई कर रहे हो, आपका ऑलरेडी आपका बना हुआ है, आप कुछ चीज चेंज करवाना चाह रहे हो, तो आपको यहाँ पे मॉडिफिकेशन वाले पे टिक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि ट्रेडिंग डीपी कोड आ रहा है, तो आप इजीली स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि जैसे ही आप प्रोफाइल सेक्शन में जाते हो, वहाँ पे बी ओ आई डी करके 18 डिजिट का होता है, तो आपको फर्स्ट 8 डिजिट जो आपका डीपी आई डी होता है वो आगे लिखना है, और लास्ट के आई डी जो आपके क्लाइंट आई डी होता है वो आपको पीछे लिखना है गाइस। ठीक है, और फिर उसके बाद आता है कि आप ये जो नेम, आपको अपना नाम डालना है एज पर आधार कार्ड, और एज पर ग्रो में जो नाम आपने डाला था, और एज पर जो आधार कार्ड पे जो नाम है वो नाम यहाँ पे डालना है। ठीक है, अब नाम डालें, यहाँ पे आ जाता है फादर स्पाउस नेम, मतलब अपने पापा अपने जो फादर का नाम है वो डाल देना है, मदर नेम यहाँ पे डाल देना है, जेंडर आपका सिलेक्ट कर देना, ये सब इजीली है, आप आराम से कर लेना, जेंडर मेल फीमेल जो भी हो सिलेक्ट कर लेना। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आएगा, देखो डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है जो भी आपका हो। नेशनलिटी इंडियन हो तो इंडियन सिलेक्ट करो, आप जो हो अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट कर लो यहाँ पे। ठीक है, रेसिडेंटल आप RI सिलेक्ट करना, आपको NRI आप नहीं हो, RI आपको हमेशा सिलेक्ट करना है। 5 नंबर पे आप जैसे देख रहे हो पैन डिटेल है, पैन डिटेल में आपका पैन डिटेल यहाँ पे फिल करना है, आधार कार्ड में आपका आधार का नंबर फिल करना है। ठीक है गाइस, इतना तक समझ में आ गया। अब 6 नंबर आपको यहाँ पे UID सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपका मतलब आधार कार्ड का नंबर दे देना है। ठीक है, 7 नंबर में ऑक्यूपेशन आता है, यहाँ पे आप जो भी ऑक्यूपेशन से बिलोंग करते हैं, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में हो, पब्लिक सेक्टर, बिजनेस प्रोफेशनल, सेल्फ एम्प्लॉयड, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे, हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ पे ये आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आता है जैसे कि ऊपर में कर रहा हूँ, यहाँ पे बी कॉलम में आता है एड्रेस डिटेल। नॉर्मली देखो यहाँ पे 2 टाइप का, एक ऊपर एड्रेस है, एक नीचे एड्रेस है, जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, एक यहाँ पे परमानेंट एड्रेस है, और यहाँ पे एक ये रेसिडेंटल एड्रेस है। ठीक है, तो नॉर्मली मेरा मानो तो आप ऐसे तो नॉर्मली जो आधार कार्ड का एड्रेस होता है और जो रेसिडेंट जहाँ हम रहते हैं वो अलग अलग ही होता है, बट यहाँ पे अगर आप रेसिडेंट एड्रेस डालते हो, सपोज दैट मैं अगर ए में रहता हूँ तो ए का कोई एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, चाहे यहाँ पे इलेक्ट्रिक बिल होनी चाहिए, वोटर आईडी कार्ड हो, जहाँ पे ए एड्रेस मेंशन होना चाहिए, तो मेरी मानो तो आप दोनों में आधार एड्रेस ही भर देना जो आपका आधार कार्ड पे है, यहाँ पे आधार एड्रेस भर देना दोनों में। ठीक है, और नीचे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है 3 नंबर कॉलम पे, यहाँ पे UID सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे UID नंबर आपका डाल देना है। ठीक है, मैं फिर से बता दूँ, यहाँ पे एड्रेस भरने के बाद यहाँ पे आपको UID टिक करना है, UID यहाँ पे टिक करना है, उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड का आपका नंबर डाल देना, ये दोनों में करना है। ठीक है, दोनों में करना है, जैसे कि यहाँ पे परमानेंट जो एड्रेस प्रूफ है इसमें भी आपको सेम करना है, जो ऊपर आपने किया वही सेम नीचे करना है। ठीक है, हाँ 5 नंबर तक तो मैं बता दिया था, जैसे UID यहाँ पे सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपका आधार नंबर डाल देना है। ठीक है, अब 6 नंबर पे आता है ग्रॉस एनुअल इनकम, यहाँ पे आप जो भी इनकम के हिसाब से आप अप टू 1 लाख, 1.5 लाख, 5 से 10 लाख आप अपना सिलेक्ट कर दो। ठीक है, उसके बाद नीचे जो है यहाँ पे जो 3 कॉलम आप देख रहे हो, यहाँ पे 3 कॉलम यहाँ पे सिग्नेचर वाला, ये सिग्नेचर आपको एज पर पैन भरना है, 3 जगह आपको सिग्नेचर करना है, जो पैन कार्ड पे आपका सिग्नेचर है ये सिग्नेचर यहाँ पे फिल करना है गाइस। ठीक है, अब दूसरे नेक्स्ट फेज में आते हैं, यहाँ पे आपको कुछ भी चेंज करवा रहे हो तो आपको दोनों में सिलेक्ट करना है, ट्रेडिंग में भी सिलेक्ट करना है, डीमैट में भी सिलेक्ट करना है। ठीक है, और यहाँ पे जो ट्रेडिंग कोड में आपको ग्रो पे दिख रहा है, यहाँ पे यूनिक क्लाइंट आईडी करके आता है, यहाँ पे जैसे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है वो यहाँ पे आपको फिल कर देना है।
ठीक है, यहाँ पे आपको फिल कर देना है यूनिक क्लाइंट जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, डेट आज का डेट डाल देना है, ठीक है। अब डीपी आईडी तो यहाँ पे मेंशन है, क्लाइंट आईडी आपको लास्ट 16 डिजिट का जो लास्ट के 8 डिजिट होते हैं वो यहाँ पे आपको फिल कर देना है, ठीक है। अब नीचे नीचे करना है, उसके बाद आप यहाँ पे देख लो नेम ऑफ द क्लाइंट, नेम ऑफ द क्लाइंट आ रहा है यहाँ पे, आपका आधार कार्ड का जो भी एड्रेस है वो आपको यहाँ पे फिल करना है गाइस, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे नीचे वाले पे क्लिक करना, आई रिक्वेस्ट यू टू मेक द फॉलोइंग एडिशनल मॉडिफिकेशन रिलेटेड ऑन माय अकाउंट एंड योर रिकॉर्ड, ये ऊपर वाले दो पे नहीं करना है, नीचे वाले पे ही टिक करने हैं गाइस, ठीक है, बॉक्स में। अब ऊपर आते हैं, यहाँ पे मेन जो फंडा आता है यहाँ पे आता है, यहाँ पे आपको जो भी चेंज करना हो आप यहाँ पे लिख सकते हो। अगर सपोज डेट आपको मोबाइल नंबर चेंज करना है तो यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखोगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, मॉडिफिकेशन करना है, मॉडिफिकेशन लिख दो, एग्जिस्टिंग डिटेल, अभी जो आपका पहले का जो फोन नंबर जो है एग्जिस्टिंग वो डाल देना है। अब न्यू यहाँ पे फोन नंबर है वो यहाँ पे ये मेंशन कर देना है, ठीक है। उसी प्रकार अगर आप जीमेल चेंज करना हो तो ये यहाँ पे जीमेल लिखना है, यहाँ पे मॉडिफिकेशन करना है, ठीक है, यहाँ पे एग्जिस्टिंग जीमेल, फिर न्यू जीमेल जो आप चेंज करना चाह रहे हो। उसी प्रकार बैंक अकाउंट का भी सेम है और ये एड्रेस का भी सेम है, समझ में आ गया यहाँ तक। यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे नेम ऑफ क्लाइंट, क्लाइंट में जब आपका नाम यहाँ पे डालना है, ठीक है, और आपके सिग्नेचर यहाँ पे करने जो पैन कार्ड पे है, ठीक है। और ये इतने करने के बाद जैसे ही आप इसे फिल कर लेते हो उसके बाद आपको यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाना है, ठीक है, अपनी उस पर क्रॉस सिग्नेचर करना है, आधा एप्लीकेशन फॉर्म पे, मॉडिफिकेशन फॉर्म पे, और आधा जो सिग्नेचर है आपका फोटो पे रहेगा। इसके साथ आपको एक आधार कार्ड भेजना है, उस पर आधार कार्ड पे अपना सिग्नेचर करा लेना, और आधार कार्ड का जो फर्स्ट 8 जो डिजिट होता है उसे आप आधार मार्किंग भी कर सकते हो, और पैन कार्ड, ये आधार और पैन कार्ड या मॉडिफिकेशन फॉर्म को आपको अटैच कर लेना है, और स्क्रीन पे जो एड्रेस दिख रहा है उस एड्रेस पे आपको कुरियर कर देना है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा, वहां से आप मॉडिफिकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना और एड्रेस भी मेंशन कर दूंगा, आप वहां से देखे इजिली आप लिख के आप कुरियर कर देना। तो भी डॉक्यूमेंट वहां पे पहुंचने के 10 से 15 दिन के अंदर आपके जीमेल या फोन नंबर पे मैसेज आ जाता है कि आपका अपडेट हो गया, फिर आप लॉगिन करके अपना जो भी ग्रो में लॉगिन करके अपना यूज कर सकते हो ग्रो को। ऐसे नहीं है कि कई बार लेट लग जाता है, 20 दिन भी लग जाता है, कई बार 10 दिन भी हो जाता है, कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, बट हाँ एक नॉर्मल टाइम है, 10 से 20 दिन के अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है गाइस। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और आपको डिटेली इजिली मैंने बता दिया कि मॉडिफिकेशन फॉर्म को कैसे फिल करते हैं और क्यों फिल करना चाहिए, ये भी मैं आपको बता दिया हूँ। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए हम इसी तरह का वीडियो हमेशा इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।